nicht mehr ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो पल जब जब तानाशाहों ने मासूम लोगों पर अत्याचार किया, उनके बेबसी का फायदा उठाया। लेकिन इसी मासूम लोगों में कोई ऐसा पैदा होता है जो इस दमन का विरोध करके एक नए क्रांतिकारी युग की शुरुआत करता है। ऐसे लोगों ने इस अन्याय के खिलाफ अपना आवाज़ उठाया और कभी कभी अपने मास्क का भी इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे मास्क जिन्होंने इतिहास रचा दिया और सदियों तक लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। ऐसा ही एक मास्क जो 21वीं सदी के लोगों को इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है, यह एनोनिमस ग्रुप का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। हैकर्स और एक्टिविस्ट का एक डिसेंट्रलाइज ग्रुप है जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ विरोध के लिए जाना जाता है। लेकिन इस मास्क की ओरिजिन एनोनिमस ग्रुप के मूवमेंट से भी पुरानी है। यह एक ऐसे व्यक्ति से प्रेरित है जिसने शक्तिशाली और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता और न्याय के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यही ओ गाय फॉक्स का मास्क जो प्रतिरोध का प्रतीक है, किसी के लिए नायक तो किसी के लिए आतंकवादी। एनोनिमस मास्क और उसका गाय फॉक्स के साथ कनेक्शन समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। हमें अंग्रेजी इतिहास के 17वीं सदी में जाना पड़ेगा। यह एक ऐसा समय था जब इंग्लैंड में राजनीतिक उथल पुथल और सामाजिक अशांति फैली हुई थी। इसका कारण था एक अत्याचारी राजा जिसका नाम था जेम्स वन। यह एक बहुत ही अलोकप्रिय राजा था। राजशाही में सत्ता को केंद्रीकृत करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। लेकिन लोगों में अशांति फैलने का और भी बड़ा कारण था धार्मिक उत्पीड़न। इसी कारण इंग्लैंड के लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। इसी विरोध करने वाले लोगों में एक योग भी शामिल था, उसका नाम गाय फॉक्स। फॉक्स एक पेशे से सैनिक और कैथोलिक एक्टिविस्ट था जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट को बम से उड़ाने का और राजा को मारने के साजिश में शामिल था। यह साजिश दी गन पाउडर प्लॉट नाम से इंग्लैंड में फेमस है। 5 नवंबर 1605 की रात फॉक्स को संसद के तहखानों में गन पाउडर बैरल के साथ खोजा गया। वो साजिश को अंजाम देने वाला ही था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह के लिए मार डाला गया। लेकिन ये प्रयास व्यर्थ नहीं गए। इसके बाद गाय फॉक्स का मास्क सत्ता का विरोध और परिवर्तन चाहने वाले लोगों का एक लोकप्रिय प्रतीक बन गया। इसी भावना से एनोनिमस मूवमेंट का जन्म हुआ जिसमें पूरी दुनिया भर से बहुत सारे हैकर्स और एक्टिविस्ट शामिल हैं। यह एक लूजली ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल नेटवर्क है जो अपने हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स और भ्रष्टाचार, अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध के लिए जाना जाता है। गाय फॉक्स का मास्क ही उनकी आइडेंटिटी है। ये लोग अलग अलग टैक्टिक्स जैसे कि हैकिंग और डिनाइल ऑफ सर्विसेज का इस्तेमाल करके अलग अलग गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस और बड़ी इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हैं। इनका मानना है कि वे अनैतिक और अन्यायपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। उनका मोटो है, वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। यह मोटो उनके डिसेंट्रलाइज और एनोनिमस नेचर को दर्शाता है। इसके साथ वो जो भी मानते हैं वो हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ खड़े होते हैं। एनोनिमस मास्क और गाय फॉक्स प्रतिरोध और विद्रोह का प्रतीक है जो यथास्थिति को चुनौती देने और एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने वालों को प्रेरित करते हैं, और यही है उनकी कहानी। Remember, remember the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. I know of no reason why gunpowder treason should ever be forgotten. Guy Fawkes, it was his intent to blow up the king and the parliament. 3 square barrels of powder below, poor old England to overthrow. By God's providence, he was catched with a dark lantern and burning match. Holla boys, holla boys, make the bells ring. Holla boys, God save the king. Hip hip hooray.